कलकत्ता आप 10 साल रहे, कलकत्ता में 10 साल रहा, तो वो कलकत्ता का एक्सपीरियंस शायद आपके कलाकार के ग्रोथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से कलकत्ता ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बॉम्बे तक में ठीक है पास कर गया था, कुछ स्ट्रगल कर रहा था काम ढूंढने की, मगर कुछ मिल नहीं रहा था एंड आई वॉज बिट अनहैप्पी इन बॉम्बे। मुझे लगता था कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल लोगों का ही शहर है, और जब कलकत्ता मिला तो मुझे लगा वहाँ काफ़ी सब लोग स्ट्रगलर ही है, इस तरह का एक माहौल था जो मुझे बहुत ही पसंद आया। फिर एक लेवल का मुझे लकीली श्यामल दत्तरे से पहचान हो गई थी, तो पहले ही वीक में उन्होंने मुझे चाय के अड्डे पे इंट्रोड्यूस किया था, और मुझे याद है कि मैं कलकत्ता की पहली संडे से लेकर लास्ट संडे तक 10 साल गया होऊंगा, फिर तो मैं बाजू में ही रहता था, तो वहाँ एक ये इस तरह की अड्डाबाजी। फिर काफ़ी लोग मिक्स होते हैं, मैंने मुझे याद है कि मैं सत्यजीत राय की फिल्म उनकी प्रेजेंस में 15-20 आदमियों के साथ ट्रायल शो के टाइम देखते थे हम, क्योंकि उनके प्रोडक्शन मैनेजर हमारे दोस्त थे। फिर बंशी गुप्ता को जानते थे हम अच्छी तरह से, बाद में तो जो फोटोग्राफर मित्र वो अच्छे रिलेशन थे, मगर सुब्रत मित्र की बात करता हूँ। तो ये एक बहुत ही कमाल का माहौल था कि जिनसे आप बड़े इम्प्रेस हो और उनको बिल्कुल रियली मैंने इस तरह की स्ट्रगल देखने मिलते थे। बंगला आपको आती थी या वहीं से? नहीं, बंगला मुझे नहीं आती, मेरे घर में पहले बंगला मनीषा ने बोला, और क्योंकि वो 1 साल की थी और गई थी, मगर फिर मैं 2-1 साल में थोड़ा सीख लिया, क्योंकि वहाँ तो अड्डा में काफ़ी बात तो हाँ वो तो मैं पूरा बंगला सीखा सुन के और ट्राम बस वगैरह से, तो काफ़ी कोलोकली अच्छा बंगला बोलता था जिसमें आपको गाली वाली बोलना आना चाहिए, हाँ, तो इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी रहा। और आई थिंक मैंने के अलावा जो चित्रकार जिनसे आप काफ़ी मिलते रहे या बातचीत? नहीं, लकीली 6 महीने के अंदर ही श्यामल ने मुझे सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का मेंबर बना दिया, तो प्रणव रंजन रे, श्यामल दत्तरे, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, सोमनाथ होर, सब हम कुछ सोमनाथ दा बने हुए थे, बाकी तो गणेश पाइन भी उस समय कुछ नहीं था, पहली बार मेरे सामने जब मैं मेंबर बना उसी समय एक पुरस्कार जितना वो जो टेम्परा लेके आया था, तो कब इस सब के साथ ग्रो करने मिलने से, और फिर कलकत्ता एक मुझे लगता कि मेरे पूरे जीवन में कलकत्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बंगाल स्कूल वगैरह का एक जो मैं बॉम्बे से गया था तो बॉम्बे में तो एक बॉम्बे बंगाल स्कूल के अगेंस्ट काफ़ी एक उल्टी बातें होती है, वो सब बातें मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियर हो गई कि ये सच नहीं है। और एक लेवल पे मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप का बड़ा एडमायरर हूँ, और एक बाजू से मुझे बंगाल स्कूल से भी बहुत कुछ सीखने मिला वहाँ कलकत्ता में। हाँ बिल्कुल शांतिनिकेतन भी जाते रहते थे? शांतिनिकेतन जाते रहते थे, और फिर मुझे रविंद्रनाथ मेरे लिए बहुत ही बड़ा पेंटर है। इन लोगों के लिए आप जैसे नंदलाल बोस वगैरह से मिलते थे या? मैं कभी उनको मिला था, और मुझे याद है एक बार विवान मेरे घर एक शो लेके आया था और मेरे घर ठहरा था, फिर उसको लेके मैं शांति निकेतन गया था, तो वो अभी भूल गया कि अच्छा तुमने किया था, मगर मैंने कहा मैंने तुझे सत्यजीत राय से इंट्रोड्यूस किया था, हाँ मैं तुम्हें विनोद बिहारी मुखर्जी के घर ले गया था और किंकरदा के घर भी ले गया थे। तो आप काफ़ी मतलब सबसे मिलते रहे? मैंने मुझे ने कलकत्ता में बोलते हैं ना कि वो लोग थोड़े चूजी है वगैरह, वो प्रॉब्लम मुझे एकदम नहीं हुआ, मैंने एकदम नहीं हुआ मुझे एक्सेप्ट करने में, मैंने आई कैन बोलता है कि तुम भाषा अच्छी बोलते हो, तो मैं कब बोलता था मैं लड़ भी सकता हूँ, यही बात। आपको लगता है कि कलकत्ता का एक्सपीरियंस ने आपको फिगरेटिव रहने के लिए मतलब प्रभावित किया, या कि क्योंकि उस जमाने में अचानक अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की वजह से हिंदुस्तान में भी काफ़ी माहौल ऐसा था? फिगरेटिव मैं पहले भी नहीं था, जे जे का संस्कार है वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन वाला ही है। अब देखो पूरा पिछला हिस्ट्री देखोगे तो
तो भी ये लोग आस्ते आस्ते बिल्कुल इस तरह से, मगर मुझे जो कलकत्ता जाके एक कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ, एक ह्यूमन टेंशन, ह्यूमन एनर्जी, हाँ, ये सब जो एरिया देखने मिला ना, उसका जो होल ऑर्गेनिटी का जो काम मेरे काम में इन्फ्लुएंस होने लगा कि एक ह्यूमन पावर, ह्यूमन स्ट्रगल, तो वो पूरे संस्कार समझे बिगर आने लगे, और खास करके एक ऑर्गेनिटी थ्रू ऑर्गेनिटी लिटिल बिट फिर एक सेक्सुअलिटी भी आने लगी, मगर आई थिंक दैट द होल बंगाली कल्चर इज सो एक्सप्रेसिव, पीपल आर सो एक्सप्रेसिव कि मैंने वो अपनी बात जो कुछ भी फील कर रहे बोल सकते थे, और एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन एंगल रहा है बंगाल में। मैंने एक देखा कि इतनी ह्यूमन स्ट्रगल रही उस ज़माने में, तो और प्रॉब्लम थी, मगर एक कमाल की जो बात है कि एक यो जो ह्यूमन एंगल रहना है, और फिर ट्रिमेंडस इमोशनलिटी, ऑर्गेनिटी, वो सब के देखने के बाद जहन में उतरा है ऐसा मुझे। मैंने कुछ इंटेलेक्चुअली उसके बारे में सोचा नहीं है, और फिर द यूज़ ऑफ ड्राइंग, और उसमें फिर एक लेवल का द टच ऑफ इरोटिज्म वगैरह, ऑर्गेनिटी, मगर वो सब शुरुआत तो होगी कलकत्ता में।